हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं तुक्का स्ट्रेटेजी नीट 2024। तो नीट में तुक्का कैसे मारना है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आ गए हम लोग हमारे स्क्रीन पर। तो आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग बात करते हैं नीट स्ट्रेटेजी तुक्का के ऊपर। तो नीट 2024 में तुक्का कैसे मारना है आपको, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग इसमें तीन तरह के स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे। एक होगा जो 650 के ऊपर जिसको मार्क्स आ रहा होगा लगभग लगभग 652, ठीक है। और एक जो होगा, और लोग जो होंगे जिसके जिसको मार्क्स आ रहे होंगे 450 से लेके 550 तक, और जिसको आ रहे रहेंगे लेस देन 450 तक, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जिसको 540 के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर 650 के ऊपर आ रहे हैं उनको मार्क्स, इसका मतलब उनकी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट क्या है, कंफर्म है, ठीक है। कंफर्म तो हो चुकी है कि एमबीबीएस सीट मिल रहा है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे अगर उनको थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा मार्क्स को थोड़ा सा बूस्ट करना है, हल्का सा, देखो इसमें कुछ नुकसान तो होगा नहीं, फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। या वो 2 मार्क का हो या तो वो 4 मार्क का हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो जो जिसको 650 मार्क्स आ रहे उसको खाली 10 तुक्का मारना होगा, ठीक है। वो 10 MCQ तक तुक्का मार सकते हैं, उसके ऊपर नहीं मारना आप लोग को, ठीक है। तो अगर आप लोग को मैं बोलूँ, अगर 10 तुक्का मार रहे, ठीक है, उसमें से 5 राइट हो रहा है, 5 गलत हो रहा है। अगर 5 सही हो रहा है, 5 सही हो रहा है, इसका मतलब 4 × 5 कितना मार्क्स हो गए, यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। और 5 गलत हो रहा है तो 20 में से 5 माइनस कर दो, आपका नेट कितना आ रहा है, 15 मार्क्स आ रहा है। तो आपको जहां पे 650 मार्क्स आ रहा था, आपको आ जाएगा कितना, 665 हो जाएगा, तो 15 मार्क्स का फायदा हुआ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर आपका 5 सही भी नहीं हुआ, 3 तो सही होगा कि 3 भी नहीं सही कर पाओगे, तुक्का से 3 तो सही हो जाएगा। 3 जब सही कर लोगे, 3 4 सा कितना हो जाएगा, 12, और कितना मार्क्स हो गए यहाँ पे तुम्हारे, 12 मार्क्स हो गए, 3 4 सा 12 मार्क्स। और अगर तुम्हारा 7 गलत हो गया तो 12 में से 7 क्या, कितना गया, 5, तो 5 मार्क्स ऐड करोगे तो तुम्हारे मार्क्स हो गए 655। आप लोगों को पता होगा एक से एक मार्क्स के ऊपर कितने रैंक्स आ जाते हैं, जैसे 1 मार्क कम से कम 1000 बच्चों के होंगे, समझ रहे हो, मतलब 650 खाली तुम्हारे नहीं होंगे, 1000 बच्चों के होंगे, 500 बच्चों के होंगे। अगर तुम 5 मार्क्स ज्यादा लाओगे तो तुम ज्यादा अच्छा रैंक मिलेगा तुम्हें, ठीक है। फिर अगर तुक्का मारना कैसे है तुमको, तुम्हारे 650 मार्क्स आ रहे, ठीक है। 650 मार्क्स मतलब तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। मुझे बात बताओ, 650 मार्क्स ला रहे, तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, इसका मतलब तुमने हर चीज पढ़ रखी है, बट तुमको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो तुम यहाँ पे जा सकते हो एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो ये एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करेगा जरा देखते हैं अपन। समझो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है, तुमको इतना पता है कि सी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, सी ऑप्शन है, तुमने इतना तो पढ़ा होगा कि तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सी ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचे 3 ऑप्शन, इन तीनों में से चूज करना है। तो इन तीनों में से चूज कैसे करोगे, फिर तुम तीन में से देखोगे, इन तीनों में से देखोगे, इसमें से भी तुमको एक लग रहा होगा कि क्या है ये, गलत है। फिर तुम्हें पास बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी है 50% राइट होना, चांसेस है 50% राइट होना। तो तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें सब लोग बोल रहे हैं बी मार्क करो या तो डी मार्क करो, या तो बी या तो सी आंसर होगा, ऐसा सब स्ट्रेटेजीज आ रही है। बट मैं कहता हूं कि ये बी और डी में मत जाओ, आपका जो मन कह रहा होगा, जैसे एलिमिनेशन मेथड किया, 2 तुम्हारे को, आप लोग को ये मिल गया कि इसमें से 2 में से आंसर है, बट अब तुमको एकदम जो परफेक्ट लग रहा है, तुमको जो एकदम परफेक्ट लग रहा है वही मार्क करो, ठीक है, तुमको जो परफेक्ट लग रहा है वही मार्क करो, ये इसमें मत जाओ कि बी होगा आंसर, सी होगा आंसर, डी होगा आंसर, समझ पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ से आप लोग का मार्क्स बूस्ट होने का चांसेस है, ठीक है। और अगर समझो 10 के 10 रॉन्ग हो गए आपके, ऐसा तो होगा नहीं 10 के 10 रॉन्ग हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर समझे तुम्हारे 2, अब 10 तुक्का मार रहे हो, 10 में से तुमको क्या 2 भी राइट नहीं होगा, 2 राइट हुआ था तुमको कितना मार्क्स आ गए, 8 मार्क्स आ गए, तुमने रॉन्ग कितना किए, 8 रॉन्ग किए, 8 - 0। तो तुम यहाँ पे फायदा निकाल सकते हो या तो तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा, समझ पा रहे हो। आते हैं दूसरी तरफ, बात करते हैं हम
जिसके मार्क्स आ रहे हैं 450 से लेके 550 तक, उनको भी चांस लेना। क्योंकि देखो आप लोग को MBBS सीट तो नहीं मिलेगी इतने मार्क्स पे, आप लोगों को पता है, तो आप लोग एक चांस ले सकते हो कि आपका थोड़ा सा मार्क्स थोड़ा सा बूस्ट हो जाए और आ जाए। तो मैं अगर मैं बात करूँ जिसका 550 मार्क्स तक आ रहा है, ठीक है, 500 550 तक आ रहा है, उसको 25 मार्क्स का तुक्का मारना अलाउड है, मतलब 25 MCQ, ठीक है, 25 MCQ तुक्का आप लोग मार सकते हो, समझो 25 MCQ तुक्का मारा, सेम, हाँ सेम सेम एलिमिनेशन मेथड, सेम एलिमिनेशन मेथड से मारना है। आपके इतने मार्क्स सारे, मतलब आपने थोड़े से पढ़ाई की होगी, आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत अच्छे मार्क्स है, तो आपने बहुत पढ़ाई की है, इसका मतलब आपको कंसेप्ट मालूम है, आपको हर चीज आपने पढ़ रखी है, बट आपको याद नहीं आ रहा उस टाइम पे, ऐसा कुछ होगा। बट तो आप लोग यहाँ पे क्या मार सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। तो इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, सेम होगा कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से ऑप्शन होगा, इन दोनों में से तुक्का मारना है तुमको, तो ऐसे कर करके तुम यहाँ पे 25 तुक्का मार सकते हो। तो मैंने अज्यूम किया कि आप लोग ने 13 राइट किया और 12 रॉन्ग किया, ठीक है, तो जो तुम्हारा नेट मार्क्स आता है वो आता है 40 मार्क्स। कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। तो 550 में 40 मार्क्स जब ऐड करोगे आप लोग, तो आपके हो जाएंगे 590 मार्क्स। 590 मार्क्स मतलब लगभग लगभग कॉलेज मिल सकता है, अगर आप महाराष्ट्र में हो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आपको 590 पे कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। चलो अज्यूम करो आपने यहाँ पे 10 राइट किए, ठीक है, और 10 के हो गए तुम्हारे 40 मार्क्स, ठीक है। अब 40 मार्क्स यहाँ पे हो गए, और तुमने रॉन्ग कितने हो गए फिर तुम्हारे यहाँ पे, 15 रॉन्ग हो गए, तो 40 माइनस 15 कितने हो गए बताओ, 25। तो आपका यहाँ पे नुकसान है ही नहीं, यहाँ पे आपका जो भी होगा फायदा ही होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, समझ पा रहे हो? अगर समझो आपने 5 राइट किया, 25 में से 5 राइट तो हो सकता है ना, तो अगर समझो आपने 5 राइट किया, 5 × 4 कितना हो गया, 20, आपने रॉन्ग कितना किया, 20, नो नुकसान, आपका नुकसान ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हो? आपका कुछ लॉस नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर आपके आ रहे हैं कितने, लेस देन 450, 300 200, तो आप लोगों को चांस लेना है कितना, 50 से 60 क्वेश्चन का तुक्का मारना है तुमको, ठीक है। वहां पे भी सेम होगा, 20 से 25 तुम लोग राइट करोगे, उसमें से तुम्हारे जो नेट मार्क्स आएगा कुछ आएगा 50 मार्क्स, तुम्हारे एग्जाम बूस्ट होंगे। बट इस तुक्का एंड ऑल से आप लोग ये नहीं बोल पाओगे, तुक्का जो मार रहे हो इससे आपसे ये क्लेरिफिकेशन नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं, ठीक है। आपको आपके मन को पता है आपको ये नहीं आता है, ठीक है, आपके मन को पता है आपको ये नहीं आता है, तो नहीं आता है ये आपके मन को, ठीक है, आपके दिमाग को नहीं आता है ये। तो मैं क्या कहूंगा कि जितना हो सके जितना हो सके बायो, जितना हो सके बायो, अभी भी टाइम है, 2 से 3 दिन है, रट लो, पूरा रट लो, पूरा रट्टा बायो मार लो, ठीक है, बायो जो है पूरा रट्टा मारो। मैं यही बोलूंगा आप लोग को कि ये तुक्का वगैरह के झंझट में मत जाओ, अगर एकदम जरूरत पड़ रही है तो ही मारो, वरना तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, खास करके 650 मार्क्स जिसको आ रहे उसको तुक्का मारने की जरूरत नहीं, आप लोग तुक्का मार सकते हो, तो आप लोग को चांस लेना है, ठीक है, आप लोग को चांस लेना है, आप लोग को तुक्का मारना ही पड़ेगा। कि आपको अगर देखो आप लोग को MBBS सीट मिल नहीं रही है, इतने मार्क्स पे तो नहीं मिलेगी, ट्रूथ है, तो आप लोग को थोड़ा सा चांस लेना ही पड़ेगा। अब प्यार और जंग में सब जायज है, तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो बच्चे कुछ, आज तारीख है, हमारे पास 1 तारीख है, हमारे पास कुछ दिन बचे हैं खाली, 2 से 3 से 4 दिन बचे हैं बस, ठीक है, 3 to 4 days बाकी है बस। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला देखिए, केमिस्ट्री के फॉर्मूला देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे रिएक्शंस देखिए, सब सब आप लोग रेडी करके रखिए अपना, 5 तारीख को हमको करना है जब, ठीक है, 5 मई को अपने को उतरना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय।